हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पोको X2 में डुअल पंच होल डिस्प्ले एनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें थीम्स में जाना होगा और यहाँ पर हमें एक थीम डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एंड्रॉयड क्यू स्टॉक V11, एंड्रॉयड क्यू स्टॉक V11। तो अब इसे सर्च करेंगे। तो गाइज, जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने दो थीम्स आएंगी। इनमें से जो फर्स्ट थीम है, जो पहले आ रही है, इसे आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो सेकंड थीम है वो कंपैटिबल नहीं है। जैसे कि हम सेकंड थीम में गए तो ये जो थीम है ये कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। इसमें 4.6 स्टार्स हैं। आप फर्स्ट थीम में जाएंगे, इसमें 5 स्टार्स हैं, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करते हैं और ये फर्स्ट थीम ही कंपैटिबल है पोको X2 के लिए। हमने डाउनलोड कर ली, फिर इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत दिखेगा कि यहाँ पे डुअल पंच होल डिस्प्ले एनेबल हो गया है। गाइज, आपको वीडियो में अभी डुअल पंच होल डिस्प्ले नहीं दिखेगा क्योंकि वीडियो में फुल स्क्रीन आती है, बट जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे अपने पोको X2 डिवाइस में तो तुरंत ही आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, जो अभी हमारा जो थीम है वो चेंज हो गई है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे थीम चेंज हो गई है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पोको X2 में, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोको X2 में जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट थीम है अगर उसमें भी डुअल पंच होल डिस्प्ले हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थीम्स में जाना है, फिर माई पेज पे जाना है, यहाँ पर कस्टमाइज थीम में जाना है। नहीं, पहले आपको थीम्स में जाना है और यहाँ पे आपको लिमिटलेस या क्लासिक में से, जो कि डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करनी है। तो मैं लिमिटलेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। लिमिटलेस थीम को सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना है। आपने अप्लाई कर दिया, फिर जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डुअल पंच होल डिस्प्ले हट जाएगा। हटने के बाद आपको जाना है माई पेज पे जाना है, फिर से यहाँ पर आपको कस्टमाइज थीम में जाना है, फिर आपको स्टेटस बार में जाना है। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड क्यू स्टॉक V11 दिख जाएगा, आपको इसे सिलेक्ट करना है, फिर इसे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका डुअल पंच होल डिस्प्ले फिर से वापस आ जाएगा और ये आपका डुअल पंच होल डिस्प्ले आपके डिफ़ॉल्ट जो थीम है, या तो क्लासिक या फिर आपकी लिमिटलेस, उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो आप अपनी डिफ़ॉल्ट थीम में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, और अगर आपको और कोई पोको X2 से रिलेटेड और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइज, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें। थैंक्स अ लॉट गाइज़।